हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपका जो ऑब्जेक्शन है आंसर की के लिख के आप किस तरह से आपका जो ऑब्जेक्शन वो रजिस्टर कर सकते, किस तरह से आपसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है आप उस फ़ोन के थ्रू किस तरह से आपका जो ऑब्जेक्शन है किस तरह से कर सकते, उसका डिटेल्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, पहले आपको क्या करना हो, पहले आपको RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद आपका यूज़र आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ देके लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपका डिटेल्स चलाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, उसमें आपका ऑब्जेक्शन एंड आपका मेक पेमेंट जो है आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको ऑब्जेक्शन में क्लिक करना होगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते उसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे कि 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका देना पड़ेगा। आप एक कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आपको 50 रुपीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपके आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही होता है तो आपका जो 50 रुपीज़ है आपको रिफ़ंड हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपका जो 50 रुपीज़ है आपको वो नहीं रिफ़ंड होगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पर ऑब्जेक्शन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एग्जाम शीट क्वेश्चन ID आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका सिलेक्ट ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले यहाँ पे दिया हुआ ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, आपका जो अगर आपका जो ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया था आंसर की में, अगर वो सब इनकरेक्ट होता है तो आप वो दे सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि इनकरेक्ट एम्बिगुअस क्वेश्चन, जो कि आपका कोई गलत क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है, अगर दिया हुआ हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपाई करेक्ट आंसर के लिए भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते। तो जैसे कि आपका आपका जो आंसर की में जो जो गलत गलत है या आपका जो भी ऑब्जेक्शन है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन के आईडी जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपका क्वेश्चन का आईडी आपका जो आंसर की है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपका यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा कि किस तरह की क्वेश्चन जो कि यहाँ पे गलत हुआ है, या किस तरह से आपका जो ऑब्जेक्शन है आप किसके थ्रू आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपको यहाँ पे वो डिटेल्स यहाँ पे लिख के नीचे देना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो दोस्तों यहाँ पे वो देख के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपका जो 50 रुपीज़ है, आप कोई भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप वो 50 रुपीज़ दे सकते। ध्यान रखें, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होता है तो आपका जो 50 रुपीज़ है वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा थ्रू आपका बैंक अकाउंट। अगर नहीं है तो आपका जो 50 रुपीज़ है वो चला जाएगा, आपका रिफंड नहीं होगा। तो दोस्तों, ध्यान से ये बात आप लोगों को ध्यान दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। और इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले मेरे इस चैनल में। थैंक यू फ्रेंड्स।